हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम सीएफटी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस तरह से काम करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक है और सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है। तो इसीलिए मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा पहला पॉइंट है, ये थ्योरी बोलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली आयनिक होता है, यानी इनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है। जबकि इससे पहले वाली जितनी भी थ्योरीज हैं वो ये बोलती है मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट दूसरा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जब मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं। थर्ड पॉइंट कि मेटल हमेशा एक कैटायन की तरह बिहेव करेगा और लिगेंड एक नेगेटिव पॉइंट या एनायन की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ तो लिगेंड एक डाइपोल के थ्रू सेंट्रल मेटल आयन से कनेक्ट होता है, यानी लिगेंड किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो एनायन हो, चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो, वो लिगेंड हमेशा एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने पे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बनेगा, जिस पर डायपोल में जो नेगेटिव पार्ट है वो मेटल के पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मेटल आयन के लिए लिगेंड हमेशा एक नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो लिगेंड हमेशा नेगेटिव पॉइंट की भूमिका निभाएगा और मेटल हमेशा एक पॉजिटिव आयन की भूमिका निभाएगा, तभी दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो मेटल आयन है उसके चारों तरफ लिगेंड इस तरह से अरेंज होंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो। और देखिए दोस्तों, जब रिपल्शन मिनिमम होता है तो सिस्टम की एनर्जी भी कम होती है, जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए इस थ्योरी को थोड़ा सा और समझते हैं। जब कोई लिगेंड मेटल आयन को अप्रोच करता है तो एक्चुअल में मेटल आयन के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ अप्रोच करेंगे। तो होगा क्या, दो टाइप के फोर्स पॉसिबल हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी को कम करते हैं जबकि फोर्स ऑफ रिपल्शन एनर्जी को बढ़ाते हैं। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा तो कम एनर्जी इंक्रीज होगी और फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, इसी फोर्स ऑफ रिपल्शन को अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इस थ्योरी का सारा दारोमदार इन डी ऑर्बिटल पे ही टिका हुआ है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि डी ऑर्बिटल पांच टाइप के होते हैं, क्योंकि मेटल आयन के पास केवल डी ऑर्बिटल है। उनका नाम है dxy, dyz, dxz, dx²-y² और dz²। इन्हीं की वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बनती है। आप देखिए किस तरह से, तो अगर मैं d ऑर्बिटल का शेप और ओरिएंटेशन देखना चाहूं तो किस तरह से होगा, जो d ऑर्बिटल है उनका शेप और एनर्जी एक जैसी होती है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। इसी ओरिएंटेशन की वजह से इनके नाम अलग अलग हैं। अगर मैं ओरिएंटेशन बनाना चाहूं तो मैंने ये एक्सिस लिखे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यानी ये ओरिएंटेशन किसी भी एक्सिस पे हो सकते हैं और अलग अलग ओरिएंटेशन होने की वजह से इनके नाम भी अलग अलग हैं। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूं। सबसे पहला है डी एक्स वाई ऑर्बिटल, दूसरा है डी वाई जेड ऑर्बिटल, तीसरा है डी एक्स जेड ऑर्बिटल, चौथा है डी x²-y² और पांचवा ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर। अब इनको मैं आपको ड्रॉ करना बताता हूँ किस तरह से आपको इसको ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले मैं डी एक्स वाई को ड्रॉ करता हूँ। देखिये दोस्तों, ड्रॉ करने का तरीका क्या है, डी एक्स वाई में आप दो प्लेन
ले लीजिए एक एक्स प्लेन और दूसरा वाई प्लेन। डी एक्स वाई ऑर्बिटल हमेशा एक्स प्लेन और वाई प्लेन के जस्ट मिडल में होते हैं इस तरह से। उसी तरह डी वाई जेड में आप दो प्लेन ले लीजिए, जेड एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। दोनों ऑर्बिटल जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ड्रॉ करने हैं इस तरह से। अब मैं एक्स जेड की बात करूंगा तो दो आप प्लेन दोबारा से ले लीजिए, यानी ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो दोनों ऑर्बिटल इन दोनों एक्सिस के जस्ट मिडल में सिचुएटेड होंगे इस तरह से। तो अगर जब मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की बात करूंगा तो ये हमेशा इन प्लेन के जस्ट ऊपर लाई करेंगे इस तरह से। एक ऑर्बिटल ऐसे और दूसरा ऑर्बिटल इस तरह से प्लेन के जस्ट ऊपर या एक्सिस के जस्ट ऊपर ये लाई करेंगे, डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर वाले। और उसी तरह जो डी जेड स्क्वायर है ये भी जस्ट एक्सिस के ऊपर लाई करेगा इस तरह से, और इस पे ये रिंग हमने बना दी इस तरह से। तो इस तरह से आप डी ऑर्बिटल के शेप को या इनके ओरिएंटेशन को आसानी से बना सकते हैं। तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये जो तीनों ऑर्बिटल है ये बिटवीन द एक्सिस है और ये दो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है। और कौन से एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस। इनको मैं कुछ इस तरह भी आसानी से लिख सकता हूँ। देखो ये डायग्राम है, तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये अलोंग द एक्सिस है, और डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड इनके लोब बिटवीन द एक्सिस है। देखिए दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है अलोंग द एक्सिस कौन से लोब आ रहे हैं और बिटवीन द एक्सिस कौन से लोब आ रहे हैं, क्योंकि इसी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। अब अगर मैं कोई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देखूं तो मेटल के पास छह लाइगेंड होते हैं और वो छह लाइगेंड मेटल के चारों तरफ इस तरह से अरेंज होंगे। देखिए दोस्तों, ये बीच में मैंने मेटल ले लिया है और दो लाइगेंड एक्स एक्सिस पे, दो लाइगेंड जेड एक्सिस पे और दो लाइगेंड वाई एक्सिस पे सिचुएटेड होंगी। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल में छह लाइगेंड होते हैं और उनका अरेंजमेंट मेटल के चारों तरफ एक्सिस पे ही होगा। इतना समझ में आ गया, अब आगे समझते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है जिसमें लाइगेंड मेटल के चारों तरफ एक्स वाई और जेड एक्सिस पे है। अब ये मैंने डी ऑर्बिटल के पांचों ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन लिख दिया है और ये ओरिएंटेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन लोब्स बिटवीन द एक्सिस है और कौन से ऑर्बिटल के लोब्स अलोंग द एक्सिस है। अब होगा क्या, देखिए जब मेटल आयन और लाइगेंड एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, लाइगेंड के ऑर्बिटल और मेटल के ऑर्बिटल इस तरह से एक दूसरे के पास आएंगे, लाइगेंड ऑर्बिटल, मेटल ऑर्बिटल, मेटल ऑर्बिटल और लाइगेंड के ऑर्बिटल। और देखिए दोस्तों, मेटल के पास केवल डी ऑर्बिटल है तो वो सारे के सारे इस तरह से प्रोजेक्ट होंगे। अब होगा क्या, जब लाइगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा तो लाइगेंड सारे डी ऑर्बिटल को इक्वली अफेक्ट नहीं करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, यानी मेटल के पास पांच डी ऑर्बिटल है और पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल लाइगेंड के थ्रू इक्वली अफेक्ट नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे, इसका रीजन है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। यानी मेटल के दो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये ऑर्बिटल ज्यादा अफेक्ट होंगे और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ये तीन ऑर्बिटल कम अफेक्ट होंगे। अफेक्ट का मतलब इनके बीच रिपल्शन कम होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए दोस्तों, अगर मैं एक डायग्राम देखूं तो ये जे लाइगेंड के ऑर्बिटल हैं और ये एक बीच में मेटल के ऑर्बिटल। अब आपको ऊपर वाले इस ऑक्टाहेड्रल डायग्राम में ये दिख रहा है कि जो लाइगेंड है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे है। इसका मतलब मेटल के जो ऑर्बिटल एक्स वाई और जेड एक्सिस पे होंगे वही ऑर्बिटल ज्यादा अफेक्ट होंगे बजाय उन ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में होंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये तीन ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होते हैं, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आप देख सकते हैं उनके ओरिएंटेशन से कि वो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे आ रहे हैं, इसीलिए लाइगेंड इन ऑर्बिटल को ज्यादा अफेक्ट करेगा क्योंकि ये डायरेक्ट सीध में आ रहे हैं, जबकि
और डी ऑर्बिटल इन पोजीशन पे आएंगे इस तरह से। अगर इन पोजीशन पे आएंगे रिपल्शन कम होगा, और जब जो ऑर्बिटल बिल्कुल सीध में आएंगे उनके बीच रिपल्शन ज्यादा होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके बीच रिपल्शन ज्यादा होगा जबकि इन दो ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कम होगा। रिपल्शन तो होगा, सारे ऑर्बिटल के बीच रिपल्शन होगा, लेकिन जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है उनके बीच रिपल्शन ज्यादा होगा, और जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है उनके बीच रिपल्शन कम होगा। अब इसके वजह से क्या हुआ, इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है जबकि इन ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। तो ये एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किन दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी है और किन तीन ऑर्बिटल की एनर्जी कम हुई है। अब इसमें एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एनर्जी डायग्राम बनता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। मान लिया जाए हमारे पास ये 5D ऑर्बिटल हैं और इन 5D ऑर्बिटल की अभी एनर्जी आपको एक जैसी दिख रही है। जब इन 5D ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी होती है, इनको हम बोलेंगे डीजनरेट डी ऑर्बिटल। इस कंडीशन में मेटल के पास कोई भी लाइगेंड नहीं है। अब मेटल और लाइगेंड एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेटल के ऑर्बिटल और लाइगेंड के ऑर्बिटल के बीच रिपल्शन हो जाएगा, जिससे कि सब ऑर्बिटल की एनर्जी, या मैं कहूं सब ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैं यहां पर टर्म्स यूज कर रहा हूं एवरेज एनर्जी। एवरेज का मतलब आप ऐसा लगा सकते हैं कि कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी है और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी घटी है, तो टोटल एवरेज एनर्जी सबकी एक जैसे रहेगी। अब आगे देखिए, जो ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे उन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे ये मैंने आपको कहा था कि डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सिस है, तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा जिस वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और इन ऑर्बिटल को हम नाम देंगे EG। और तीन ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन तीन ऑर्बिटल की एनर्जी एवरेज लेवल से कम हो जाएगी, तो इनको हम नाम देते हैं T2G ऑर्बिटल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों एनर्जी बढ़ी है क्यों एनर्जी कम हुई है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है उसको हम एक टर्म से डिनोट करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेल्टा ओ। यहां पर ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, और इस एनर्जी गैप को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इतना समझ में आ गया। अब अगर इन ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी इतनी हुई तो हम यहां पर एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरेज से इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी बढ़ गई है 0.6 डेल्टा ओ, और इन तीन ऑर्बिटल की एनर्जी एवरेज से माइनस 0.4 डेल्टा ओ कम हो गई है। ये हुआ ना कि भाई कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है एवरेज से और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाती है, क्योंकि उनमें रिपल्शन ज्यादा है और इनमें रिपल्शन कम है, तो इनको हमने क्वांटाइज कर लिया है। यहाँ 0.6 यानी +0.6 बढ़ी है और -0.4 कम हुई है। कई बार इसको इस पूरे एनर्जी गैप को हम 10 भागों में डिवाइड करते हैं तो इसको हम बोलेंगे 10 dQ। टोटल एनर्जी गैप इनके बीच 10 dQ है, तो ये बढ़ेगा +6 और ये घटेगा -4। अब देखिए दोस्तों, ये जब -4 है और इसके टोटल ऑर्बिटल है 3, तो टोटल एनर्जी कम हुई -12 और ये बढ़े हैं +6। इसके दो ऑर्बिटल हैं तो टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी +12। तो आपको क्या दिख रहा है कि +12 इंक्रीज हुई है और -12 डिक्रीज हुई है। इसका मतलब टोटल एनर्जी अभी भी इसी पॉइंट पे आएगी, जितनी बढ़ी है उतनी ही घटी है। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इस वैल्यू से कैलकुलेट करोगे तो दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी 1.2 और तीन ऑर्बिटल की एनर्जी घटेगी -1.2, टोटल एवरेज एनर्जी पॉइंट पे आएगी।
यानी टोटल एवरेज एनर्जी उनकी जीरो होगी, जितनी बड़ी है उतनी ही घटी है। इतना समझ में आ गया। अब ये डेल्टा ओ है, ये जो वैल्यू है डेल्टा ओ, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला डेल्टा ओ, इन दोनों के बीच कितना एनर्जी गैप है, डेल्टा ओ। और ये जो एनर्जी गैप है, ध्यान से देखिए दोस्तों, डेल्टा ओ यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इनके बीच जो गैप है, यानी डेल्टा ओ का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि लाइगेंड कौन सा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, लाइगेंड कौन सा है, कई बार आपने देखा होगा वीक लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, यानी टाइप्स ऑफ लाइगेंड ये डिसाइड करेगा कि इनके बीच एनर्जी गैप कितना बनेगा। कुछ ऐसे लाइगेंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, जैसे अमोनिया, तो ये ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा तो डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी। और कुछ ऐसे लाइगेंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं वीक फील्ड लाइगेंड, जैसे एक्वा या वाटर मॉलिक्यूल, तो ये कम स्प्लिटिंग करेगा, यानी इस गैप को इतना नहीं बढ़ाएगा, तो डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो। तो यानी ये जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है, ये स्प्लिटिंग हो रही है, ये कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि लाइगेंड कौन सा है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किन चीजों को एक्सप्लेन करती है। तो ये बेसिकली तीन चीजों को एक्सप्लेन करती है, हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर और कलर। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम लिखा है, तो सबसे पहले आप यहां पर कंसिडर कीजिए, ये डी ऑर्बिटल का एवरेज एनर्जी है। अब अगर मैं इस राइट साइड देखूं तो यहाँ पे आपको ये एनर्जी गैप ज्यादा दिख रहा है, और अगर मैं लेफ्ट साइड देखूं तो यहाँ पे ये आपको एनर्जी गैप कम दिख रहा है, यानी ये कम है और यहाँ पर ये ज्यादा है। अभी मैंने आपको कहा था कि इस एनर्जी गैप को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग एनर्जी बोलेंगे, और ये एनर्जी गैप लैगेंड पे डिपेंड करता है। तो जहां गैप कम हुआ, इसका मतलब वहां पे वीक फील्ड लैगेंड काम कर रहा है, और जहां पे गैप ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड है, बाकी ऑर्बिटल दोनों में सेम है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ा देगा, और वीक फील्ड लैगेंड डेल्टा ओ की वैल्यू कम कर देगा, जैसे ये गैप है। अब इसमें आपको मेटल के इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, तो मैंने 21 से और 30 तक लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, डी ऑर्बिटल इनर होता है और उससे पहले एस ऑर्बिटल भर चुके होते हैं। तो अगर 21 से लेकर और 30 तक, यानी जिंक तक, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अगर हर कोई मेटल, जिसका मतलब उनके एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो स्कैंडियम प्लस 2 में होंगे D1, उसके बाद D2, उसके बाद D3, उसी तरह क्रोमियम में D4, D5। ये कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सीख सकते हैं कि मैंने D1, D2, D3, D4 क्यों लिखा है। हम यहाँ पर बात करेंगे जब मुझे इलेक्ट्रॉन फिलअप करना होता है तो मैं किस तरह से करूं। देखिए दोस्तों, अगर मेटल के पास D3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वीक फील्ड लैगेंड के केस में पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा और तीसरा यहाँ आएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड के केस में भी यही होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इस तरह आप भरो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जब D4 इलेक्ट्रॉन आपको भरना होता है, यानी अगर मेटल आयन क्रोमियम हो तो वीक फील्ड लैगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए दोस्तों, अगर मेटल के साथ वीक फील्ड लैगेंड जुड़ा होता है तो एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप कम है तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा वो आसानी से इस ऊपर वाले ऑर्बिटल में जा सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने की बजाय ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएगा। ऐसा क्यों, यहां पे देखिए, यहां पर दो टाइप की एनर्जी को मैं कंसिडर कर रहा हूं। एक एनर्जी वो हुई जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो एनर्जी लगेगी, और ऊपर जाने के लिए भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन ये देखेगा कि कहां एनर्जी मुझे कम खर्च करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर डेल्टा ओ की वैल्यू कम है, यानी ये एनर्जी गैप कम है, और पी पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां पेयर होने की बजाय ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ये सोचेगा कि मुझे ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना है। तो इसीलिए वीक फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर होने की बजाय
ईजी ऑर्बिटल में चला जाए, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इस केस में देखिए दोस्तों, जहां पर अगर स्ट्रांग फील्ड हो, दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूं, स्ट्रांग फील्ड में गैप ज्यादा है, यानी डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा कि यहाँ एनर्जी गैप ज्यादा है और पेयरिंग करने में मुझे एनर्जी कम लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन ईजी ऑर्बिट में जाने की बजाय टी टू जी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेगा इस तरह से। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि डी सिक्स इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। अब देखो इसमें ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। इसी तरह आपको फिलअप करना है, यानी आपको ये देखना है कि एनर्जी गैप पेयरिंग से ज्यादा है या कम है, और इन दो ऊपर के इक्वेशन से आप ये पता कर सकते हैं। तो इससे आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन मुझे कहाँ फिलअप करना है। अब फोर्थ वाला यहाँ आएगा इस केस में, यहाँ फिफ्थ वाला, यहाँ फिफ्थ यहाँ आएगा। अब देखिए दोस्तों, इस केस में सिक्स यहाँ आएगा और इस केस में सिक्स यहाँ आएगा। अब सेवंथ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे भरना है तो सेवंथ इसका यहाँ जाएगा, इसका सेवंथ यहाँ आएगा, इसका एट्थ इधर चला जाएगा, इसका एट्थ इधर आएगा, अब इसका नाइन्थ यहाँ आएगा, इसका नाइन्थ यहाँ आ जाएगा, इसका टेंथ यहाँ हो जाएगा और इसका टेंथ यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी मेटल एटम में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको इसके अकॉर्डिंग आप फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना आ जाएगा। अब यहीं पर आप जो है किसी भी मेटल आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन पेयर में आ रहे हैं तो हम उसे डायमैग्नेटिक बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर में आ रहे हैं तो हम उसे पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरने हैं और इलेक्ट्रॉन टी टू जी ऑर्बिटल में जाएंगे या ई जी ऑर्बिटल में जाएंगे। नेक्स्ट मैंने सेम एग्जाम्पल लिखा है, और अब यहां पर जो है आयरन टू प्लस है और इसके पास है 6d इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको यहाँ पे भरता हूं। अगर आयरन के साथ, पहला केस, अगर आयरन के साथ वीक फील्ड लाइगेंड होता है तो कैसे भरेंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन को, पहला दूसरा तीसरा, फोर्थ वाला ऊपर चले जाएगा क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप कम है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स वाला नीचे आ जाएगा। अगर आयरन के साथ कोई वीक फील्ड लाइगेंड होता है तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन होगा। अगर आयरन के साथ कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो D6 कैसे भरेंगे, 1, 2, 3। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करेगा क्योंकि पेयर एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से कम है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, अगर आयरन 6H2O मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आयरन 6 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पेयर्ड, तो यहां पर आ जाएगा डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से हम किसी भी एटम का मैग्नेटिक बिहेवियर पता कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे किया जाता है ये आप बता सकते हैं। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कलर का। देखिए दोस्तों, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये एनर्जी गैप विजिबल रीजन में आता है, यानी जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड नेचर के होते हैं। इसका रीजन यही है कि ये जो गैप है ये विजिबल रीजन में आता है और इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं, जिस वजह से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, और जब वो नीचे वाले लेवल में आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड दिखते हैं। तो आई होप आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो रियली में हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो ने आपकी कुछ भी हेल्प की है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।